ने विदेशी छात्रों की संख्या में भारी कटौती की है। भारत से कनाडा में पढ़ाई करने जाने वालों छात्रों की संख्या दुनिया के अन्य देश से ज्यादा है। ऐसे में अब भारत के लाखों छात्रों के लिए क्या विकल्प है, इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। कनाडा में पढ़ाई की तैयारी कर रहे छात्रों के चेहरे पर अभी मायूसी छाई है। कनाडा ने घोषणा कर दी है कि वो विदेशी छात्रों की संख्या में अगले 2 साल तक 35% की कटौती करना चाहता है। कनाडा का नया नियम पीजी डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए है और ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स इसी के लिए जाते हैं। अब भारतीय छात्रों के लिए विकल्प की तलाश भी शुरू हो चुकी है। कंसल्टेंट्स की राय में कनाडा जैसे या कनाडा से बेहतर देशों की कमी नहीं है। इसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और यूके बेहतर विकल्प हैं। इन देशों में फीस भी कनाडा जितनी या उसके आसपास है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डीमोटिवेट मत हो जाइए। अपने पास दूसरे अदर कंट्री के भी ऑप्शंस हैं। आपको विदेश पढ़ना है तो आप यूएस भी जा सकते हो, ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हो, यूके भी जा सकते हो, फ्रांस जो है वो बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, जर्मनी के अंदर भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, तो आप अदर कंट्री के भी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो। कनाडा में अब तक पूरी दुनिया से सालाना 6 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए आते थे। इनमें भारत से हर साल करीब 2.25 लाख स्टूडेंट जाते थे, जो साल 2024 में घटकर 1 लाख से भी कम रह जाएंगे। हर साल कनाडा में पढ़ रहा छात्र 17,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर खर्च करता है, जो अब नए डेस्टिनेशन पर जाएगा। अगर मेरे को फिर जाना भी होगा 2-3 साल बाद, तो वर्क एक्सपीरियंस लेके मैं कनाडा के अलावा भी यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, उन सारी कंट्रीज में जा सकते हो। कनाडा के इस फैसले से भारतीय छात्रों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो भारत में भी कुछ साल बाद अच्छी संभावनाएं हैं, और अगर कनाडा नहीं तो अन्य देश में भी विकल्प मौजूद है। केतन जोशी, अहमदाबाद।